ओके हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम लोगों ने डायमेंशन का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इस होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन है उसका हर टर्म्स जो होता है उसका डायमेंशंस क्या होता है, सेम होना चाहिए, यह हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं आज। ओके, होमोजेनिटी के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिसको जिसको डायमेंशंस में, एक दो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किया है कि उसको डायमेंशंस में क्या है थोड़ा बहुत डाउट है, तो देखिएगा देयर आर ओनली 7 डायमेंशनल फार्मूलाज। जो 7 डायमेंशंस है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं मीटर, लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट है। और उसका जो सिंबल है उसको लिखते हैं कैपिटल एल। तो हमेशा डायमेंशन में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेंथ में यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर। तो इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करेंगे डायमेंशन में, जो सिंबल यूज़ हो जाएगा, सिंबल वो क्या हो जाएगा, लेंथ, इसका देखिए पहला लेटर क्या है, एल है, तो जनरली क्या यूज़ करते हैं, एल, और इसको ब्रैकेट देना है ऐसा। वो जो 7 मैंने दिखाया था आप लोग, जो पहला प्रीवियस वीडियोस गया वहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ, उसके बाद क्या लिखा था, मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, केजी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये कैपिटल लेटर एम है, तो यहाँ पे सिंबल जो होगा डायमेंशंस का सिंबल क्या हो जाएगा, एम। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या आ जाएगा, ये क्या है सिंबल, पहला वाला टी है, तो यहाँ पे सिंबल जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, टी। तो ऐसे हम लोग लिखते थे। ओके, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है एक दो बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एल। सिमिलरली मास के लिए यूनिट होता है केजी। ओके, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एम। ये नहीं देखना, ये जो स्मॉल मीटर है, ये मीटर और ये एम सेम नहीं है, ये मीटर के लिए है लेंथ इसलिए एल है, एम मतलब ये एम अलग है, ये क्या है केजी, केजी क्या होता है, मास, इसलिए हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, एम लिखा है। ओके, नाउ लेट अस गो टू सम क्वेश्चंस, हम लोग देख लेते हैं आज एक दो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होमोजेनिटी। ओके, जो होमोजेनिटी हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं, सपोज नंबर वन, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन वी इज इक्वल टू ए प्लस vt, where v is equal to velocity, t is equal to time। तो ये मुझे एक क्वेश्चन पूछा है कि a और b का डायमेंशंस क्या होगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशंस क्या होगा, हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन में a और b दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन में, क्या है ये v, दिस v इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी टी। तो ए का डायमेंशंस क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी हम लोग को क्या पता है, इसका जो डायमेंशन आएगा वी का, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली वी का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, बी टी का, क्योंकि सभी चीज़ क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ओके, सॉल्यूशन, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ v, ये जो v है, v का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a, a के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो डायमेंशन आएगा इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो v का डायमेंशन क्या है, v इज व्हाट, योर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो हम लोगों ने क्या था, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। ओके, डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है,
एल टी 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 पावर माइनस वन, तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा ए, तो ए का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा एल टी 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 पावर माइनस वन। तो पहला हम लोग का पार्ट निकल गया, किसका, ए का डायमेंशन निकल गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला क्या है बी टी, ये दोनों का जो डायमेंशन होगा वो वी के बराबर होना चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ योर वी। तो बी क्या है पता नहीं है, तो बी को ऐसे लिखेंगे। ए क्या है, टी क्या है, टी टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी, लिख लिया इसका डायमेंशन। एंड डायमेंशन ऑफ वी क्या है, एल टी टू दी पावर माइनस वन, ये डायमेंशन है, हम लोग को पता है क्योंकि ए कहाँ था, ये वी, वी का डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी टी पावर माइनस वन। यहाँ पे जो बी टी है, बी का डायमेंशन मुझे पता नहीं है, निकालने के लिए बोला है। ये टी क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है डायमेंशन लिख दिया इसका टी। नाउ ये बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन ये बी, ये टी कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, सो दिस इज एल टी टी पावर माइनस वन, और ये कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, ये आ गया आपका टी, राइट। तो ये नीचे है पावर, ऊपर चला जाने से क्या हो जाएगा, ये टी में कुछ नहीं है, मतलब क्या है पावर वन है, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा माइनस वन, तो क्या आ जाएगा इसका बी का डायमेंशन, दिस इज एल टी टू द पावर माइनस वन, ये माइनस वन, यहाँ पे वन है, ऊपर चला गया फिर से माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू। सो डायमेंशन क्या मिल गया हम लोगों को, बी का डायमेंशन क्या मिला एल टी टू द पावर माइनस टू। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ ए क्या मिला हम लोगों को, एल टी टू द पावर माइनस वन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा ओके कि हर एक टर्म जो है यहाँ पे, ईच एंड एवरी टर्म इज गोइंग टू हैव द सेम और सिमिलर डायमेंशन, यही क्या है डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, कि कौन सा प्रॉपर्टी है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओके। सो ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी इन द गिवेन इक्वेशन, इन द गिवेन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब, वेयर एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है, जो कैपिटल ए है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए, ए निकालने के लिए बोला है, ए का डायमेंशंस क्या हो जाएगा, बी, बी का कितना आ जाएगा, सी का कितना आ जाएगा, डी का कितना आ जाएगा, साथ में क्या दिया, ये जो एक्स है, दिस एक्स इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये जो यहाँ पे टी लिखा है वो टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन भी सेम होगा, इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिमिलर टर्म्स को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स या डायमेंशन ऑफ ए लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है, ए किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट क्या होता है मीटर, सो डायमेंशन ऑफ ए, ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मीटर, मीटर क्या होता है लेंथ, तो ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा एल, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स जो है आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, लेंथ होता है, तो ए का क्या आ गया एल आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, डायमेंशन ऑफ ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म लेना है, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ योर एक्स,
ये पूरा टर्म और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो डायमेंशन बी तो पता नहीं है, लेकिन टाइम क्या है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी, क्योंकि टाइम के लिए जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपका कैपिटल टी। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पे, तो बी का क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज बी, ये टी नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एल, और ये आ गया नीचे क्या आ गया टी। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एल टी का पावर माइनस वन। सो डायमेंशंस कितना मिला बी का, एल टी टू द पावर माइनस वन। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग को हो गया। नेक्स्ट सिटी, इसके लिए क्या लिखेंगे, सेम यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डायमेंशन ये तो डिस्प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका, इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ योर एक्स। सो डायमेंशन ऑफ सी टी क्या हो जाएगा, सी तो सी रहेगा, टी मतलब यहाँ पे टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर टू, टाइम है, पावर क्या है टू है, टू आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट में इसमें क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर सी जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे टी था, इस तरफ आने से टी का पावर क्या हो गया माइनस वन। यू शुड लर्न दिस, ओके सी। तो यहाँ से सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये सी है, टी इस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा एल टी, यहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा टी का पावर टू, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा एल टी टी पावर माइनस टू। तो क्या आ जाएगा, सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा एल टी टी पावर माइनस टू। तो बी का भी निकल गया, ए का भी निकल गया, सी का भी निकल गया। लास्ट व्हाट वी हैव टू सी, दिस इज डी टी क्यू, ओके। सो नाउ डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या लिखेंगे डी, और यहाँ से क्या लिखेंगे टी का पावर थ्री टी क्यूब, क्योंकि टाइम है, पावर क्या है थ्री, यहाँ लिख दिया है। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितना होता है डिस्प्लेसमेंट का, एल होता है। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू एल और टी का पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहला क्या आ गया, ए का डायमेंशन कितना आ गया एल, बी का कितना आ गया एल टी टू पावर माइनस टू, सी का कितना आ जाएगा एल टी टू पावर माइनस टू, ये माइनस वन है। सो डी का कितना आ गया एल टी टू पावर माइनस थ्री। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी में हम लोग और एक क्वेश्चन डाल लेते हैं, सपोज ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू। तो आसान है सब, कुछ नहीं है, दिस आर वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा एकदम सिंपल क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा अलग से करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी इन द गिवेन इक्वेशन, इन द गिवेन इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या निकालना है ए बाय बी। द गिवेन इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू, सपोज दिस इज ए प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। और इसमें हम लोग को डायमेंशन में क्या पूछा है, इसका ए डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू पूछा है, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स, एफ क्या है फोर्स है, टी क्या है टी इज टाइम, एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट। ना यहाँ पे ए बी का नहीं पूछा है, ए बाय बी का रेशियो पूछा है, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ, हम लोगों ने किया था, अगर आप लोग को ये याद रख लीजिएगा, फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन भी मैंने बोला था क्या होता है एम एल टी टू पावर माइनस टू होता है फोर्स का, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या लिखेंगे एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा एल सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा टी का पावर माइनस टू।
जैसे याद नहीं है तो क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए क्या लिखेंगे एम, मास केजी होता है क्योंकि इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी के लिए क्या लिखा एम, मीटर के लिए एल, सेकेंड स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस टू, तो फोर्स के लिए डायमेंशन जो है वो क्या होता है एम एल टी टी पावर माइनस टू। नाउ इसको सॉल्व करेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, दिस प्लस दिस दिया हुआ है, ए प्लस समथिंग दिया हुआ है। नाउ यू सी हम लोग का डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये और ये अगर ऐड हो रहा है, एडिशन किसका होता है, सिमिलर क्वांटिटीज का होता है, हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज इसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे मास को लेंथ के साथ यूज ऐड नहीं कर सकते, कर सकेंगे क्या, कभी नहीं यूज कर सकेंगे। सो अगर इसका जो डायमेंशन है इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्योंकि एडिशन हो रहा है किसी के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर को हम लोग किससे ऐड कर सकते हैं, 6 kg के साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये मीटर लेंथ है, ये क्या है, ये केजी है, ये मास है, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर को हम लोग कोई भी मीटर वाला चीज से ऐड कर सकते थे 6 मीटर, तब हम लोग बोल सकते हैं क्या है 6 + 5 इज इक्वल कितना 11 मीटर। तो यहाँ पे भी क्या, ऊपर में ये जो दोनों क्वांटिटीज है, ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब इसका जो यूनिट होगा ये अलग नहीं हो सकता, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और टी का हम लोग का डायमेंशन क्या हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, तो हम लोग ये वाला चीज लिखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ए का और टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, तो डायमेंशन ऑफ ए तो ए ही रहेगा, लेकिन टी क्या होता है टाइम, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ए का मुझे डायमेंशन मिल गया कितना टी स्क्वायर। सिमिलरली बी एक्स, ये बी एक्स क्या है, ये जो बी एक्स है ये क्या है आपका, बी जो है आपका पता नहीं है मुझे, और ये क्या है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो डायमेंशन होगा, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा तो किसके बराबर होना चाहिए, वो भी क्या किसके बराबर होना चाहिए आपका, ओके तो यहाँ से मैं ए का डायमेंशन तो निकाल लिया, कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ तो बी एक्स मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग एफ का डायमेंशन मुझे पता है, इसका डायमेंशन मुझे पता है, पुट करके देखते हैं, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ एफ लिख लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डायमेंशन डिवाइडेड बाय नीचे वाला डायमेंशन, ओके ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, बी एक्स को अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो इसका डायमेंशंस नीचे आ जाएगा, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एफ इसके ऊपर में क्या आ गया, डायमेंशंस लिख देते हैं, इसका डायमेंशंस कितना आ गया ए प्लस टी स्क्वायर, कितना आ गया टी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी जो ए है, ए का डायमेंशंस क्या है टी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया टी स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस है यहाँ पे भी क्या है टाइम, तो इसका क्या आ जाएगा डायमेंशन टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2t² नहीं होगा ये, क्यों, हम लोग डायमेंशनल फार्मूला किस में लगाते हैं, हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूनिट में लगाते हैं, ये टाइम का स्क्वायर होगा टाइम का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर में हमेशा ये 2 के जगह क्या आ जाएगा, हमेशा टी का स्क्वायर ही रहेगा। ओके, जैसे 5 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड कितना आ जाएगा, ये 5 + 6 दिस इज 11 सेकेंड। डायमेंशन कहाँ लगाते हैं हम लोग, 11 में नहीं लिखाते, ये एस, ये जो सेकेंड है इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे टी, इसके लिए ना टी लिखेंगे, 11 तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, करते हैं क्या, नंबर्स में तो हम लोग डायमेंशन कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए जो डायमेंशन है, खाली जो यूनिट है वो देखना है, यूनिट क्या है सेकेंड, तो सेकेंड के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं टाइम, यहाँ पे क्या है टी का स्क्वायर है, तो डायमेंशन क्या आ गया टी का स्क्वायर, तो ऊपर में जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर में दोनों चीज ऐड हो रहा है दोनों टाइम में, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा इसमें टी का पावर क्या आ जाएगा 2 हो गया। नीचे में ये बी है तो बी लिख लिया मैंने बी, और एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा एल। सो डायमेंशन ऑफ जो एफ है ऊपर में लिख लिया, एक नीचे में लिख लिया,
एफ के लिए डायमेंशंस क्या होता है, हम लोग निकाल कर रखा है ये, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ जो है वो क्या है, एम एल टी का पावर माइनस टू, ये आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टी का पावर टू, नीचे में क्या आ जाएगा, बी इंटू डायमेंशन एल। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके बी का वैल्यू मुझे निकाल लेना है। ओके, नाउ सी बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी। कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे क्या किया है, इसका जो डायमेंशन था ए टी स्क्वायर, उसका डायमेंशन मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर में लिख दिया, कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, टाइम 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 का स्क्वायर है, तो ये भी टाइम का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, टी का स्क्वायर। ये क्या है, एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या लिखा है, एल। बी का डायमेंशन तो पता नहीं है, निकाल लिया। एफ का डायमेंशन पता है, कितना होता है, एम एल टी टी पावर माइनस टू। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यू कैन सी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ। ओके, बी बी ये आ जाएगा आपका कितना, एल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ क्या है, दिस इज एम एल टी का पावर माइनस टू, इस तरफ क्या बचा, टी का पावर टू। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी का पावर टू। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी होल्डिंग इन टू, ये एल है, यहाँ पे भी एल है, पावर कितना है यहाँ पे, वन, यहाँ पे भी क्या है, पावर वन, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो एम ऑलरेडी है तो लिखेंगे एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, और इस तरफ क्या आ जाएगा, टी का पावर टू। तो जो ये बी का डायमेंशन आएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी का पावर टू, और ये इसका डायमेंशन कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। ओके, ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये बी जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम है ऊपर, नहीं है एम ऊपर चला जाएगा, तो एम का पावर क्या हो गया, माइनस वन। ठीक है बच्चों, एल नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर चला गया, एल है ऊपर में नहीं है, तो एल का पावर माइनस टू हो गया। नेक्स्ट टी का पावर कितना है, यहाँ पे टू, इसमें क्या माइनस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, फोर। तो बी का भी डायमेंशन मुझे मिल गया, बी का डायमेंशन कितना आया, एम टू द पावर माइनस वन, एल का पावर माइनस टू, टी का पावर फोर। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को पूछा क्या, ए बाय बी, तो ए बाय बी क्या हो जाएगा, ए, देयरफोर ए बाय बी कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू आया था टी का पावर टू, तो ये लिख दिया मैंने क्या, टी का पावर टू। ओके बच्चों, नीचे में क्या है, बी, बी कितना है, एम का पावर माइनस वन, एल का पावर माइनस टू, टी का पावर फोर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, m पॉजिटिव हो गया, l ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर हो गया, t है प्लस फोर, तो t है, ये क्या आ जाएगा, t का पावर टू माइनस फोर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस t का पावर माइनस टू। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है हम लोगों का a बाय b का, a बाय b का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा क्या था, उससे अलग था। आप लोग को याद क्या रखना है इस क्वेश्चन में, इसका जो डायमेंशन होगा, क्योंकि एडिशन है तो इसका डायमेंशन भी दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिमिलर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं। सो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये तो लेंथ है, ये पता है, तो इसका जो टोटल जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये किया, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लिया, बी इतना आया, ए भी निकाल लिए थे तो उसका रेशियो निकाल दिया, इतना आ गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो एक आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन इसी तरह का, मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी इन द गिवन इक्वेशन। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो मैं ये एक होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड पी, पी का मतलब होता है प्रेशर। ओके, सो दिस इज ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, वेयर पी क्या है, प्रेशर है, टी क्या है, टाइम है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है।
तो ये ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन, ट्राई दिस एज योर होमवर्क, इसको एज ए होमवर्क आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जैसे किया था ये प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ये प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लीजिएगा, एफ बाई ए क्या है पुट कर दीजिएगा, बाकी रेस्ट इज सेम। खाली इसमें प्लस की जगह क्या है माइनस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज में कर सकते हैं, डिस सिमिलर क्वांटिटीज के साथ ना ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लॉजिक याद करके याद रखना है और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ओके बच्चों। तो ये हो गया आपका होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेक वेदर ए गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, एक जो इक्वेशन है मेरे पास दिया हुआ है, सपोज इक्वेशन ये सही है या गलत है, हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशंस होगा अगर वो राइट हैंड साइड का डायमेंशंस के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज करेक्ट। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया था, फिर भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये क्या इक्वेशन सही है, बट वी ऑलरेडी नो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, लेकिन लेट अस से कि ये सही है कि नहीं हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको कैसे करेंगे, डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन इन राइट हैंड साइड, ओके। तो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द डायमेंशन व्हिच इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड फाइंड द डायमेंशंस इन द राइट हैंड साइड, ओके। ईच एंड एवरी टर्म इफ इट इज हैविंग द सिमिलर डायमेंशन ऑफ दैट इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन वी विल से दिस इक्वेशन इज करेक्ट। लेट अस सी, सो फॉर लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला for LHS left hand side कितना आ जाएगा, this is what velocity, velocity के लिए क्या आ जाएगा, L t to the power minus 1, okay, dimensional formula for right hand side, so right hand side this is what, this is also velocity, for u what you look at L t to the power minus 1, okay, next प्लस दिस इज 80 इज वॉट, ए इज एक्सेलरेशन सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज एल टी टू डी पावर माइनस 2 एंड दिस इज योर टी, सो व्हाट विल यू गेट, एल टी टू डी पावर माइनस 1, सो इन द राइट हैंड साइड व्हाट इज गिवेन, यू प्लस 80, फॉर यू प्लस 80 व्हाट विल यू गेट, एल टी टू डी पावर माइनस 1, because this is also having L T T to the power minus 1, this is also having L T T to the power minus 1, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तब भी L T T to the power minus 1 ही आएगा, क्यों, हम लोग डायमेंशंस यूनिट्स में लगाते हैं नंबर में नहीं लगाते। जैसे फिर से एक बार बोल देता हूँ, जैसे ये आ गया L T T to the power minus 1, सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड था, U का वैल्यू कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, 80 का भी क्या है इतना ही आया, सपोज ये है प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, तो 11 मीटर पर सेकेंड में हम लोग डायमेंशंस कहाँ है, यहाँ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ लगाते हैं ना, एल टी टी पावर माइनस 1, ये 11 में तो डायमेंशन नहीं लिख दिए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि यू मे थिंक एल टी टी पावर माइनस 1 है, 80 है, इसका भी एल टी टी पावर माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो सामने तो 2 आना चाहिए, तो 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डायमेंशंस कहाँ लगाते हैं, यूनिट में लगाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, अगर यूनिट दोनों का सेम है तो क्या मिल रहा है हम लोग को, डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं, डायमेंशन इन लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में इतना आ रहा है,
डायमेंशन इन राइट हैंड साइड इतना आ रहा है, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट. वी कैन से दिस इक्वेशन इज करेक्ट. तो ये पहला एप्लीकेशन है. और एक इक्वेशन देखते हैं सही है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं. सपोज एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, मिटा दे इसे, राइट. ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल. सो ये हो गया पहला एग्जांपल. हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल टू. व्हाट वी कैन से एग्जांपल नंबर टू, पहला वाला एग्जांपल वन था. और एक इक्वेशन ले लेते हैं. सपोज एग्जांपल गिवन इक्वेशन है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल वाई जी. यू विल फाइंड दिस इक्वेशन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आप लोग को मिलेगा. एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशन वहाँ पे मिलेगा. यू कैन गो थ्रू द बुक, पीछे वाला पेजेस में देखिएगा, एक ऐसा इक्वेशन दिखाई देगा. फिर टी जो है वो क्या है, टाइम पीरियड, इसको टाइम बोल देते हैं. एल लेंथ है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ यू कैन से ये 2 पाई क्या है सर, यू मे थिंक 2 क्या है नंबर है और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 2 × 3.14 क्या है नंबर है, तो इसके लिए डायमेंशंस तो आएगा नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए डायमेंशंस नहीं आता है, नंबर्स के लिए डायमेंशंस नहीं आता है, जिसमें यूनिट होता है उसमें डायमेंशंस आता है. तो ये इक्वेशन सही है कि नहीं हम लोग देखेंगे. अभी डायमेंशंस इन लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला इन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, टाइम है, सो डिस टी. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स का साथ लिखना है टी. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इन राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 पाई का तो कोई डायमेंशंस नहीं होता है, तो हम लोग लिखते हैं दिस इज अंडर रूट ऑफ एल बाई क्या है, ये जी है. तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एल क्या है, एल के लिए क्या बोला है, ये क्या है लेंथ है, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे कैपिटल एल. लिख लिया बच्चों कैपिटल एल. जी क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. सो मीटर के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ, तो लिखेंगे एल. ओके, और यहाँ पे आ जाएगा टी का पावर माइनस टू, डिनोमिनेटर में था, ऊपर चला जाने से इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज एल टी टी पावर माइनस टू. ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में निकाल के रखा है. तो यहाँ से देखिए क्या, तो ये क्या गया एल और एल गया कैंसिल, तो क्या मिलेगा अंडर रूट, ये टी कहाँ है डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा टी का पावर टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट में है तो क्या आ जाएगा, ये टी आ गया. सो राइट हैंड साइड में डायमेंशंस कितना आया टी, लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशंस क्या आ गया टी. तो दोनों क्या है, ये इक्वेशन सही है गलत है, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट. तो ये पता चल गया हम लोगों को, राइट. समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन सही है या गलत है, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके प्रूफ कर सकते हैं. तो ये आ गया. और एक दो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, ये सेकेंड, ये वाला आ गया सेकेंड एग्जाम्पल, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, हम लोग नंबर वन प्रॉपर्टी पर रहे, दैट इज टू चेक वेदर ए गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. ये इक्वेशन सही है या गलत है, ये हम लोग प्रूफ देख रहे हैं इसमें. नेक्स्ट और एक देखते हैं हम लोग, मिटा दें इसे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे और एक इक्वेशन चेक. क्वेश्चन है सपोज चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. एक इक्वेशन दिया है सपोज नंबर वन, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. ओके, ये दिया हुआ है. एंड नंबर टू, ओके,
पहले मैं लिख देता हूँ ये एम क्या है, वी क्या है, जी क्या है, वेयर, पहले लिख लेते हैं. वेयर एम जो है वो क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी है, एच बच गया, एच क्या है, हाइट, ये हाइट है. ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो इक्वेशन दिया गया है क्या ये सही है, क्या ये सही है. यू कैन सी ये क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, एम जी एच क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है. इन क्लास 9 यू हैव सीन हम लोगों ने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. क्या इसका डायमेंशन सही है, लिख लेते हैं, पता है कि नहीं, होना तो चाहिए. ओके सो दिस विल बी डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला इन लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर LHS क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. हाफ के लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, नंबर है. एम क्या है, मास है, मास के लिए क्या लिखूंगा, एम. वी है, वेलोसिटी के लिए क्या लिखूंगा, एल टी टी टू पावर माइनस टू, एल टी टी टू पावर माइनस टू. ओके ओके एल टी टी, एम को सेपरेट करके लिखते हैं क्योंकि इसमें पावर है, तो एम यहाँ लिख दिया. ओके बच्चों, तो एल यहाँ लिख दिया और यहाँ पे क्या दिया है, पावर है. क्या पावर में टू है तो टू पर करना पड़ेगा. वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसमें लिखा एल टी टी टू पावर माइनस टू. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम तो एम ही रहेगा, ये स्क्वायर अंडर डालेंगे तो एल में भी है, तो एल स्क्वायर और टी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस फोर. यह आ गया किसका, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन. सो डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट देखते हैं, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं. राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, एम जी एच है. सो दिस इज एम जी एच. एम के लिए क्या लिखूंगा, मास एम. जी क्या होता है, एल टी टी पावर माइनस टू, एल टी टी पावर माइनस टू. यह आ गया, ये एम है, एम के लिए लिख दिया. एच, एच क्या है, हाइट. हाइट किस में नापते हैं हम लोग, मीटर. मीटर क्या होता है, लेंथ. तो सिंबल क्या आ जाएगा, एल. दिया गया एल. ओके तो इसमें से क्या आ जाएगा हम लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया एम. इसका क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर. दिस इज एल स्क्वायर, ये टी का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू. ओके तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला. ओके यहाँ पे मैंने ये माइनस वन होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी है. वेलोसिटी, सॉरी, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टी टू द पावर माइनस वन. ओके सी सी सी, दिस वेलोसिटी क्या होता है, एल टी टू द पावर माइनस वन. तो इसका क्या है, पावर टू है, तो यहाँ पे टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू. तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया, टी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू. ओके ये मैंने फोर लिख दिया था. ओके फोर नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल थ्री टी पावर माइनस वन. क्यों, मीटर पर सेकेंड होता है ना. मीटर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एल, नीचे सेकेंड है तो आ गया क्या, टी थ्री पावर माइनस वन. पावर में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टी थ्री पावर माइनस टू. नाउ यू कैन सी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम आ रहा है. यू कैन सी एम एल स्क्वायर टी थ्री पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी थ्री पावर माइनस टू. तो क्या ये इक्वेशन सही है, हाँ सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट. तो जो दिया हुआ है इक्वेशन वो क्या है, करेक्ट है. समझ में आ गया बच्चों, ठीक है. ये छोटा सा गलती कर दिया था, ये देखिएगा. तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग लिखते हैं आराम से लिखना है, ओके, विथ कंसंट्रेशन. सो ये पता चल गया. और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस गो टू अनदर क्वेश्चन. ओके लेट अस गो टू अनदर क्वेश्चन. इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. सपोज और एक चेक करने के लिए बोला है, सपोज चेक whether the equation is correct or not. So equation दिया हुआ है, suppose H is equal to 2 sigma cos theta divided by rho
जी आर, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में क्या है, रो जो है वो क्या है, मास डेंसिटी है, रो इज मास डेंसिटी, रो इज मास डेंसिटी, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। आर क्या है, रेडियस है, आर इज रेडियस, एच इज हाइट, एच इज हाइट, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ओके। ये देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये सही है कि नहीं, इक्वेशन कोई भी है क्या, इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, आप लोगों को पूछेगा कि ये इक्वेशन क्या है, सही है कि नहीं बताना है। कॉस थीटा क्या है, एंगल है, कॉस थीटा क्या होता है, एंगल, और एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं होता। नाउ यहाँ पे आप लोगों को एक नया टर्म मिला, क्या है, सरफेस टेंशन। आप लोगों को पता नहीं है सरफेस टेंशन क्या है, उसका डायमेंशन कैसे निकालना है, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन जो होता है सिग्मा, वो क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ फॉर प्रेजेंट टाइम यू जस्ट रिमेंबर, ये सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स को जब हम लोग लेंथ से डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन होता है। तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, फोर्स एम एल टी का पावर क्या आ जाएगा, माइनस टू, सो दिस इज सरफेस टेंशन। क्या आ जाएगा, फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी टी पावर माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, लेंथ, तो लिखेंगे नीचे क्या, लेंथ लिख देंगे यहाँ पे, लेंथ एल, तो ये एल एल गया कैंसिल, तो क्या मिला, एम टी का पावर माइनस टू, तो मुझे सिग्मा का क्या मिल गया, डायमेंशंस मिल गया। सबको अलग अलग से निकाल लेते हैं, ये सिग्मा का जो डायमेंशंस मिला मुझे कितना मिला, ये एच का डायमेंशंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज एच, एच हम लोगों ने क्या लिखा है, हाइट, हाइट नापते हैं कौन सा डायमेंशंस में, केजी में, केजी में नापते हैं, टाइम में, सेकेंड में, नहीं, किस में नापते हैं, हाइट, मीटर में। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इसके लिए लेंथ, मीटर क्या होता है, लेंथ, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, एच के लिए एल आ जाएगा, हो गया। रेडियस जो है वो क्या है, रेडियस भी लेंथ है, तो रेडियस के लिए भी डायमेंशंस क्या आ जाएगा, एल। रेडियस क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, तो क्या हो जाएगा, एल ही है। जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन, तो जी के लिए क्या आ जाएगा, एल टी का पावर माइनस टू, ओके, दिस इज एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया। इसके लिए भी निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, मास डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, मास के लिए क्या लिखेंगे, एम, ओके, ऑलरेडी वी हैव फाउंड दिस वैल्यू, इसका हम लोगों ने निकाला था, क्या होता है, मास, मास के लिए लिखेंगे एम, वॉल्यूम नीचे है तो ऊपर में क्या जाएगा, एल का पावर माइनस थ्री, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर होता है, तीन मीटर होता है, मीटर के नीचे है, ऊपर चला गया माइनस थ्री, आ गया सबका, सबका लिख लिया। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का नो डायमेंशन, क्योंकि रेडियन है, इसका ऐसा यूनिट, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है, सब लिख दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हम लोग के पास पता है, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पे खाली आप लोग को एक चीज़ पता नहीं था, दैट इज सिग्मा, सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया वो सिग्मा का डायमेंशंस कितना है, एम टी टी पावर माइनस टू। अभी चेक करते हैं डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा डायमेंशन, एच है, एच के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ है, एल डायरेक्टली। नेक्स्ट डायमेंशन इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में है रो जी आर डिवाइडेड बाय टू सिग्मा कॉस थीटा, सबके लिए लिख देते हैं। रो कितना आया मेरे लिए, रो का क्या है, एम एल टी पावर माइनस थ्री, एम एल का पावर माइनस थ्री लिख लिए हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जी का क्या है, जी का एल टी पावर माइनस टू, जी का क्या है, एल टी का पावर माइनस टू। आर क्या है, लेंथ है, आर क्या है, लेंथ है, एल लिख लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है, एल टी पावर माइनस टू, तो एम टी टू दी पावर माइनस टू सिग्मा के लिए लिख लिया, ओके। टू का कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशंस नहीं है। नाउ यहाँ पे देखिए, ये एम है, एम गया कैंसिल, ओके, टी का पावर क्या है, टू है, टी का पावर गया, टू कैंसिल, ऊपर में क्या बचा है, एल का पावर माइनस थ्री, ओके, और यहाँ पे एल का पावर क्या है, वन, इसका पावर क्या है, वन, तो क्या लिखेंगे, प्लस वन, प्लस वन, तो कितना मिला, एल का पावर माइनस वन। सो राइट हैंड साइड में मुझे कितना मिल रहा है, एल का पावर माइनस वन,
लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल रहा है, एच का पावर एल ऑन। क्या ये इक्वेशन सही है? डायमेंशन सेम सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम आया? नहीं आया। तो क्या आ जाएगा? दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो हम लोग ये मिटा दें ये वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे कैसे किया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नया वाला चीज़ हम लोगों ने लिखा है, दैट इज ओनली सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये पढ़ना है आगे वाला चैप्टर्स में, पढ़ना है चैप्टर नंबर 8-9 में पढ़ना है हम लोगों को, 9-10 में पढ़ना है सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, वहाँ पे हम लोग तो ये सब करेंगे ही, डोंट वरी। इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या है क्या नहीं एकदम डिटेल्स में है। खाली अभी जैसे ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन सही है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये इक्वेशन क्या है, गलत है, तो लिख लेना है लास्ट में। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। नाउ यू कैन टेल मी, इसमें एल है, अगर ये एल आ जाता तो क्या हो जाता, सही हो जाता इक्वेशन। इसमें क्या हो गया, माइनस वन आया। मतलब अगर सही होना था ये इक्वेशन को, तो कैसा होना था ये इक्वेशन, एल का पावर क्या आया, माइनस वन है। मतलब अगर ये इक्वेशन उल्टा होता तो क्या आ जाता, ये वाला पार्ट कहाँ जाता, ऊपर ये वाला पार्ट आ जाता, नीचे तो क्या हो जाता है, दे अगर 1/L, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/L का पावर माइनस वन आ जाता। अगर ये इक्वेशन रिवर्स होता है, अगर एच इज इक्वल टू 2σ cos थीटा होता और यहाँ पे रो जी आर होता, तो ये इक्वेशन में क्या आ जाता है इसका डायमेंशन। ये जो नीचे वाला पार्ट हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला पार्ट नीचे लिखते हैं, ऊपर वाला पार्ट नीचे लिखेंगे, नीचे वाला पार्ट ऊपर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा उस केस में। तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो सही इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला सही इक्वेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ क्या, ये सही है ये गलत है। सो आंसर हम लोग का क्या है, द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। लेकिन आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या सी लेफ्ट हैंड साइड में एल आया है, राइट हैंड साइड में एल का पावर माइनस वन आया है। ये माइनस वन और वन अगर सही होना था, ये इसको माइनस वन की जगह क्या होना था, इसको एल होना था। एल कब होगा, जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, दैट मीन्स सही इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन था, द राइट इक्वेशन वॉज दिस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आज एंड करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एक होमवर्क दिया मैंने उसको कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। और ये जो आज किया है, यू मे फाइंड किसी किसी को ये डिफिकल्ट लग सकता है, अगर पहला पहला जो क्लासेस है उसको ठीक से नहीं पढ़ा। डायमेंशंस कैसे निकालना है अगर आप लोग को ठीक से पता नहीं है, यू मे फाइंड दिस दैट डिफिकल्ट। ओके, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जो जो पहले नहीं पढ़ा है, फर्स्ट यू गो थ्रू दैट वीडियोस, वो आप वीडियोस बार बार देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता बार बार रिपीट करके देखे, रिपीट करके देखे, और जहाँ समझ में नहीं आता मुझे पूछिए। ओके सर, मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो हियर ऑल्सो आज क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से। तो पहला वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस का, क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू चेक वेदर ए गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो हम लोगों ने ये आज देख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड वाला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सेकेंड प्रॉपर्टी, ये होता है कि हम लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।